हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो ये सुबह का टाइम है, मतलब सुबह के भी 7:30 बज रहे थे और ये मंडे का व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब ठीक होंगे? गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल। हम स्कूल के तैयार हुए हैं। तो बच्चे स्कूल जाने के तैयार हो गए हैं, बैठे हुए थे क्योंकि उनकी गाड़ी नहीं आई थी, अभी आने वाली थी। और ये मैं बाहर रिकॉर्ड कर रही थी, बाहर देखिए कितना कैसा मौसम हो रखा है। 2-3 दिन से तो बहुत बारिश हुई है दिल्ली में। तो आपके तरफ कैसा मौसम है बताना। हर जगह ही हो रही है दिल्ली में, क्या हर जगह ही बारिश हो रही है। तो इधर मैंने फिर बैगन को पका लिया था, फिर इधर इसको छील रही हूँ। बच्चे चले गए अभी इस टाइम पे, स्कूल चले गए, तो मैं फिर इधर इसलिए मैं इधर बनाने के लिए आ गई हूँ लंच। तो उनको बना कर दे दिया है लंच, तो मैं इनके अब इनके लिए बना रही हूँ। ये भी ऑफिस जाएंगे तो मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बैगन को मैश कर लिया है, फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, उसके साथ जीरा डाल दिया है। उसके बाद जीरा थोड़ा सा चटकने लग गया, फिर मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाल दिया और थोड़े से प्याज। ये देखिए प्याज डाल दिया। अब इसको अच्छे से भून लेना है हमें प्याज को, जब तक कलर ना चेंज हो जाए तब तक इसको अच्छे से भून लेना है हमें। उसके बाद में फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था थोड़ा सा, अगर आपके पास है, अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो ना डालें। फिर उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया, जब भून गया था प्याज तो फिर टमाटर में थोड़ा सा हल्का सा मैंने नमक इस टाइम पे डाल दिया था ताकि वो अच्छे से भुन जाए, मतलब जल्दी भुन जाए। फिर उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला भी इसी टाइम पर डाल दिया था। और मेरे पास एक मसाला ख़त्म हो गया था, वो है मैगी मसाला। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा ज़रूर डालें क्योंकि उससे अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा होता है, बनता है उससे सब्ज़ी। तो आप ज़रूर मैगी मसाला डालें भरता में तो अच्छा बनेगा। तो ये देखिए मसाले भुन गए हैं, तो इसमें मैंने बैगन डाल दिए थे, उसको फिर उसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मसाला भून गया है। इसको फिर मैंने अच्छे से भून लिया था, फ्राई कर लिया था और इसको पूरे मिक्स कर लिया था अच्छे से ताकि टुकड़े टुकड़े ना दिखे, पूरा मैच हो जाए अच्छे से। देखिए भून गया। और फिर मैंने गरम मसाला तो साथ में ही डाल दिया था, बस थोड़ा सा धनिया के पत्ते काट के डाल दिए हैं और इसे रेडी हो गया, बन गया हमारा। तो फिर मैंने इधर रोटी बना लिया था, थोड़े से रोटी बनाए थे और रोटी बन के रेडी है। तो गाइस कैसे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो इधर बन गया था रोटी और इधर मैंने इनका टिफिन भी तैयार कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा वीडियो तो ज़रूर बताना। बाय।